राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। कानूड़ा कला में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए एक DIY सिंहासन। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसिक सामान, यानी कि काटने चिपकाने वाला सामान। फिर हम लेंगे एक नली वाला गत्ता, जिसे कॉरुगेटेड कार्डबोर्ड बोला जाता है इंग्लिश में। सबसे लास्ट में हम लेंगे फैब्रिक, लेसेस एंड फोम। अब हमें सिंहासन के लिए शेप्स बनानी है। मैंने यहाँ पे दो शेप्स ली है। बेस के लिए मैं ले रही हूँ एक रेक्टेंगल शेप और बैक के लिए मैं ले रही हूँ एक हार्ट शेप। अब हम इस शेप्स को कट कर लेंगे। बेस और बैक साइड को हमें 3 पीसेस में कट करना है। इसे एक तो कार्डबोर्ड मोटा होएगा, दूसरा आपका जो सिंहासन है वो स्टर्डी बनेगा, इतनी आसानी से हिलेगा नहीं, खराब नहीं होएगा। इन तीनों पीसेस को हम फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। अच्छे से चारों साइड्स पर फेविकॉल लगाएं, सेंटर में भी अच्छे से लगाएं और उसे फिंगर की मदद से स्प्रेड कर ले। आप चाहे तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तीसरा कार्डबोर्ड है, उसके साथ भी सेम चीज करिए और ऐसे ही सेम हम बैक साइड को भी चिपका लीजिए। बैक साइड में भी अच्छे तरह से फेविकॉल लगाएं और अच्छे से दबाव डाल के चिपका लें। ये देखिए दोनों चिपक गए और अच्छा खासा मोटापन आ गया इनके अंदर। अब जो फॉर्म थी उसको भी हमने बैक साइड के अकॉर्डिंग काट लेना है, हार्ट शेप में सेम मेजरमेंट्स में। यह मैंने फॉर्म के भी 2 पीसेस लिए हैं क्योंकि फॉर्म बहुत पतली है। आपकी फॉर्म मोटी है तो एक ही पीस लीजिएगा और इसे भी मैं फेविकॉल की मदद से अच्छे से चिपका दूंगी। कोशिश करें फेविकॉल को आप अच्छी तरह स्प्रेड करें, उससे क्या होता है मजबूत बनती है हर चीज, इतनी आसानी से कुछ उतरता नहीं है, चिपका रहता है बहुत टाइम तक। जैसे फॉर्म हमने बैक साइड पे लगाई थी वैसे ही हमें बेस पे भी लगानी है, इसे भी हम अच्छी तरह फेविकॉल लगा के चिपका लेंगे। हम यहाँ पे कुशन्स की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ न्यूज़पेपर की 2.5 इंचेस की स्ट्रिप, इसे रोल करना है। मैंने कुल यहाँ पे 5 स्ट्रिप ली थी 2.5 इंचेस की और मैं उसमें एक एक ऐड करती चली गई थी। अच्छे से टाइटली रोल करना है। ये देखिए मेरे कुशन्स जो हैं उनका बेस रेडी हो गया है। आप चाहो तो और ज़्यादा रोल कर सकते हो, आप चाहो तो 7 to 8 स्ट्रिप्स भी ले सकते हो। मेरे पास ये कुछ फॉर्म पड़ी थी, इसको भी मैं इस कुशन के ऊपर लगा रही हूँ। फैब्रिक में हमें जो मेजरमेंट लेनी है वो 2 इंचेस छोड़कर लेनी है क्योंकि वो अंदर की तरफ फोल्ड होएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ फैब्रिक पे डिज़ाइन। हम कट कर लेंगे। और कट करके हम यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसे हर एजेस पे चिपका लेंगे। जहां पे भी हमें लगेगा कि एक साथ 2 साइड्स फोल्ड हो रही हैं वहां हम कैंची से कट दे रहे हैं।
उसे थोड़ी नीट एंड क्लीन लुक आती है। सारी साइड्स को मैं अच्छे से ग्लू गन से चिपका लूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर सुखाने में टाइम लगेगा। जैसे हमने बैक साइड का कपड़ा काटा था बिल्कुल वैसे ही हम बेस साइड का काट रहे हैं। ये कपड़ा थोड़ा डार्क था इसलिए मैं इस पर मार्कर नहीं चला रही, चौक चला रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट 2 इंचेस का गैप लिया है। इसे भी हम कट करके ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे। अब मैं अपने कुशन्स भी डेकोरेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का एक एम्ब्रॉयडरीड वाला कपड़ा लिया है, इसको मैं कुशन्स के अकॉर्डिंग कट कर लूंगी। यहाँ पे भी मैंने 1 इंच का डिफरेंस दिया है। इसे भी मैं हॉट ग्लू गन की मदद से न्यूज़पेपर रोल के ऊपर चिपका लूंगी। पीछे थोड़ा स्पेस था तो हमने वहां पे एक कॉटन का कपड़ा लगा दिया ताकि जो हमारा गत्ता है, हमारा जो कार्डबोर्ड है वो दिखे ना। अरे कुशन्स भी रेडी हो गए हैं। इसके दोनों एंड्स पे मैंने एक छोटा सा नग लगाया है। मैं आपको असेंबल करके दिखा रही हूँ लेकिन अभी चिपकाना बाकी है। सिंहासन को थोड़ी ऊंचाई देने के लिए मैं बेस साइड के नीचे ये 4 बॉटल के ढक्कन्स लगा रही हूँ। इन्हें भी मैं ग्लू गन की मदद से चिपका लूंगी। हमारे घरों में प्लास्टिक की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हमेशा मिल ही जाती हैं, तो ये उसी के ढक्कन हैं। आप चाहो तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को रोल करके भी इसके लेग्स बना सकते हो, इसके पाए बना सकते हो। ये देखिए चारों मैंने चिपका दिए हैं बॉटल कैप्स। इसकी लुक को कंप्लीट करने के लिए और इसे अच्छे से सजाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लेसेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वीडियो के। ब्लू वाले पे मैं लगा रही हूँ येल्लो, बिकॉज येल्लो इसके ऊपर बहुत अच्छे से जा रही थी। मैं ग्लूगन की मदद से चिपका लूंगी। ध्यान रखिए ग्लूगन बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट ही चिपकाएं या एक एक साइड्स करके चिपकाएं जैसे मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ, और थोड़ा सा खींच कर चिपकाएं। हम लगाएंगे बैक साइड पे लेस, यानी कि पीछे वाली साइड पे हम किनारी लगाएंगे ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे। देखिए ब्लू वाली लेस पिंक के ऊपर कितनी सुंदर लग रही है, हमारा पूरा सिंहासन कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी डेकोरेशन का पार्ट बचा हुआ है। मैं यहाँ बीच में एक नग लगा रही हूँ और उसके पास ये फ्लावर्स लगा रही हूँ। ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, मेरे पास थे तो मैंने ये लगा दिए। आप चाहे तो फ्लावर्स दूसरे कपड़े के भी लगा सकते हैं, फोम के फ्लावर्स आजकल बहुत आ रहे हैं उसे भी लगा सकते हैं। सारे फ्लावर्स पे अच्छे से फेविकॉल लगा के मैंने चिपका लिए। और अब मैं दिखा दूँ आपको इसका फाइनल लुक। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ऑल्सो इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी महंगी या कितनी सस्ती लेसेस लेते हैं, कपड़े लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स लेते हैं। मुझे ये अंडर 120 रुपीज पड़ा है क्योंकि जो भी हमने सामान लिया है वो 1 मीटर से कम है। अब आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो महंगे महंगे सिंहासन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मार्केट में ऐसे ही सिंहासन बहुत महंगे मिलते हैं, 250 300, इससे भी कहीं ज्यादा। लड्डू गोपाल जी का ये सिंहासन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।